हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ही स्ट्रेस के बारे में, और साथ ही हम देखने वाले हैं कि जब भी आप वर्क प्लेस में काम करते हो तो वहाँ पर ये जो ही स्ट्रेस होता है उसको हम किस प्रकार प्रिवेंट कर सकेंगे, उसके हम यहाँ पर 12 टिप्स जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं तो हमें ज़्यादातर डायरेक्ट सनलाइट में काम करना पड़ता है। तो उस दौरान अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से आदमी उस डायरेक्ट सनलाइट में काम कर रहा है और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कूलिंग नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त उसको हिस्ट्रेस होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब वर्कर जो है वो एक्सट्रीम हीट को एक्सपोज होता है, यानी कि वो हॉट इन्वायरमेंट में काम करता है, तो इस हालात में हिस्ट्रेस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हीट है जिसमें वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसकी वजह से ऑक्यूपेशनल इलनेस या फिर इंजुरीज उसको हो सकती है। हीट स्ट्रेस की वजह से हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्स और हीट रैशेस हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो हीट स्ट्रेस है इसके ऐसे कौन से 12 टिप्स है कि जिसकी वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 है क्रिएट अ सेफ्टी पॉलिसी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है कि उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है कि वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है वर्कर्स के लिए, तो वो इन्वायरमेंट उसने फाइंड आउट करना है और उसी तहत उसने ही स्ट्रेस पॉलिसी जो है उसको डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद नंबर 2 है रिव्यू एंड चेंज। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी न्यू पॉलिसी है उसको आइडेंटिफाई करके आपको इम्प्लीमेंटेशंस करना है और फिर उसके बाद में उसको पीरियडिकली रिव्यू करना है ताकि उसमें कोई भी अगर अपडेट्स हो या फिर चेंजेस हो वो आप कर सके। फिर उसके बाद 3rd पॉइंट आता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि आपको हर 15 से 20 मिनट के बाद में ग्लास ऑफ वाटर पानी पीना है, फिर चाहे आपको प्यास लगी हो या फिर ना लगी हो। फिर उसके बाद है वेयर कूलिंग अपैरल, मतलब आपको जो भी कूलिंग जैकेट्स है या फिर जो भी वेस्ट्स है वो आपको हॉट वर्किंग इन्वायरमेंट में पहनना है ताकि आपको इमिडिएटली कूलिंग रिलीफ हो सके। फिर उसके बाद है अवॉइड बेवरेजेस, यानी कि चाय हो, कॉफ़ी हो, अल्कोहल हो या फिर जो भी स्पाइसी चीज़ें हो या फिर सोडा हो, इन सभी को आपको अवॉइड करना है उस हॉट कंडीशंस में। फिर उसके बाद है रेस्ट रूम्स। इसमें आपको आपका जो वर्किंग एरिया है उसमें आपको रेस्ट रूम जो है वो क्रिएट करना है ताकि वर्कर्स जो है वहाँ उस रूम में बैठ कर उसकी बॉडी को कूल डाउन कर सके। फिर उसके बाद है कोल्ड शावर, यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी है और वैसी इन्वायरमेंट में अगर वर्कर काम कर रहा है तो वहाँ पर आपको कोल्ड शावर जो है उसकी अरेंजमेंट करनी है। फिर उसके बाद है लेस ट्रेनस वर्क। आपको इसमें क्या करना है कि जो समर का टाइम है जो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का है, उस दौरान सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो उस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही कम जो है वो बाहर काम करना है और हो सके तो उस काम को अवॉइड करना है। फिर उसके बाद है लेवल अप हीट एक्सपोजर, यानी कि इसमें क्या करना है कि जो भी वर्कर्स है जो हीट को एक्सपोज कर रहे हैं तो उनका जो वर्कलोड है वो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है ताकि वो जो हीट है उसके साथ वो एडजस्ट हो सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है एजुकेशन। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास वर्कफोर्स है उसको आपको एजुकेट करना है और उनको बताना है कि जो भी हीट रिलेटेड सिम्टम्स है वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और किस प्रकार आपको मेडिकल हेल्प जो है वो देना है या फिर आपको उसको लेना है जब भी उसकी ज़रूरत हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है सनग्लासेस एंड हैट। इसमें आपको मेक श्योर करना है कि जो भी वर्कर्स आउटडोर में काम कर रहे हैं तो उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेटेड जो भी सनग्लासेस है उसको उनको पहनना है और साथ ही में उनको हीट से बचने के लिए हैट का भी इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद का लास्ट पॉइंट है वो है स्टे इन्फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी लोकल न्यूज़ है उसको आपको चेक करते रहना है और जो भी वेदर फोरकास्ट है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आपके जोन में जो भी हीट अलर्ट्स है वो आपको मिल सके। तो ये जो सारे 12 पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये आपको पता होना चाहिए, और जब भी आप साइट पर जाते हो एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल तो आपको वर्कर के साथ में ये सारे 12 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं ताकि उनको भी ये पता चल सके कि ये जो ही स्ट्रेस है इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।